कक्षा पांच की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम कक्षा पांच के अंदर वैदिक गणित में सूत्र निखिलम के द्वारा गुणन क्रिया करने का अभ्यास कर रहे थे, तो आज सूत्र निखिलम के द्वारा हम तीन सवालों को हल करेंगे। तो तरीका देखिए, आप अभी सीख चुके हो। जैसे पहली संख्या है 13 × 10, इसका हमें निखिलम सूत्र निखिलम से गुणन क्रिया करनी है। तो आपको पता है कि हम जो संख्याएं दे रखी होती है उसका निकटतम आधार ज्ञात करते हैं, और आधार का मान हमेशा इकाई का अंक जीरो के मान के आधार पर ज्ञात करते हैं। तो 13 और 10 इकाई और दहाई की संख्या है, इकाई और दहाई की संख्या है। तो हम जो हमारा आधार है इनका निकटतम क्या होती है वो संख्या, वो होगी 10। क्या होगी? 10। फिर हम जब सवाल हल करेंगे तो सवाल के दो पक्ष बनेंगे, एक बनेगी संख्या और एक बनेगी विचलन। एक बनी संख्या, एक बना विचलन। अब हमें विचलन ज्ञात करना है, तो विचलन ज्ञात करने का देखिए सूत्र आप सीख गए होंगे। हम इतने दिन, 2-3 दिन से इस प्रकार के सवाल हल कर रहे हैं। तो विचलन का सूत्र होता है, जो संख्या आपको दे रखी है उस संख्या में से आपने जो आधार माना है उस आधार को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो सूत्र बना विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। अब देखिए संख्या कितनी आपके पास, एक तो है 13 और दूसरी है 10। इसमें से हम आधार को घटा देंगे, तो -10 -10। आपको पता है कि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो हमारा आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। अगर छोटी में से बड़ी घटाते हैं तो हमारा आंसर माइनस में आता है। तो 13 बड़ा है, 13 में से 10 गई तो हमारा आंसर आएगा प्लस का 3। अब यहाँ 10 है, देखो 10 में से 10 घटाया तो क्या आया, 0। क्या आया? 0। तो ये निकल गए हमारे विचलन। अब देखिए संख्या, पहले संख्या के नीचे लिख दिया 13 और 10। विचलन के नीचे 13 का विचलन कितना आया, प्लस का 3, और 10 का विचलन कितना आया, 0। ये हो गया पहला पड़ाव। अब हम क्या करेंगे, इसके दो भाग करेंगे। कितने भाग? तो ये हो गया दायां पक्ष, ये हो गया बायां पक्ष। अब आपको ध्यान रखना है कि दायां पक्ष में हम क्या करते हैं, दाएं पक्ष में हम विचलनों की गुणा क्या करेंगे, विचलनों की गुणा। तो विचलन कितने हमारे पास, दो अंक है, 3 और 0, तो हम 3 × 0 गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष में आपको क्या करना है, जैसे कि हमने कल भी किया था, मैंने समझाया था आपको, ये दो संख्या दे रखी है, आप इन दोनों में से कोई भी एक अंक लेना है, और कोई भी अगर एक अंक लेते हो तो उसके विचलन को छोड़ना है और दूसरे विचलन को लेना है। तो देखिए अगर 13 लेते हैं तो 13 के विपरीत विचलन क्या है, 0, तो हमें 13 के साथ में 0 लेना पड़ेगा। अगर आप 10 लेते हो तो 10 के विपरीत विचलन कौन सा है, 3, तो आपको कितना लेना है, 3। लेकिन दोनों का हल एक ही आएगा, कैसे, देखिए अगर मैं 13 लेता हूँ तो इसका विचलन क्या लूंगा मैं, 0, और 13 के अंदर अगर मैं 0 जोड़ूं तो कितना आएगा, वापस 13 ही आएगा। अगर 13 में से 0 घटाऊं तो भी क्या आएगा, 13 ही आएगा। दूसरा संख्या है हमारे पास 10, 10 का विपरीत विचलन है प्लस का 3, तो 10 और 3 13। तो ये देखिए इधर भी 13 आ रहा है, इधर भी 13 आ रहा है, तो दोनों का आंसर एक जैसा ही आता है। तो हमने लिया 13 + 0, तो 13 के अंदर 0 जोड़ा तो कितना आया, 13। 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 को हम अगर किसी भी अंक से गुणा करते हैं तो वापस 0 ही आता है, ये हमने 0 लगा दिया। अब आपको क्या करना है, बीच वाली लाइन जो बनाई थी ये हटा दीजिए,
तो यहाँ 0, फिर 3 और 1, तो हमारा आंसर बना 130 और ये हमारा हल। तो इस प्रकार से आपको सूत्र निखिलम के द्वारा गुणन क्रिया करनी है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2, 9 × 14, तो तरीका वो ये देखिए, पहले आप लिखोगे संख्या, फिर आप लिखोगे विचलन। तो संख्या तो आ गई 9, 14, सबसे पहले आधार क्या लिया 10। अब आपको क्या निकालना है, विचलन का सूत्र हमारे यहां पे लिखा हुआ है, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो संख्या है 9 − 10, 14 − 10। अब देखिए प्लस 9 और माइनस 10, प्लस की संख्या में से हम 10 घटा रहे माइनस के, तो माइनस का 10 बड़ा है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ रह गया 1, क्या रह गया माइनस का 1 बच गया। 14 में से 10 घटा रहे हैं, 14 संख्या प्लस की बड़ी है, तो 14 में से 10 घटाएंगे तब आएगा यहाँ पे प्लस का 4, तो माइनस का 1 और प्लस का 4, ये हमारे निकल गए विचलन। अब जिस प्रकार हमने इधर किया था, इसके दो भाग दायां बायां, अब दायां पक्ष इसमें क्या करना है, विचलनों का गुणन। ऐसे भी लिख दीजिए विचलनों की गुणा, तो विचलन 2 है हमारे पास, माइनस का 1 इंटू 4 प्लस का। अब बायां पक्ष बाएं पक्ष में आपको क्या करना है, इन दोनों अंकों में से कोई एक अंक लेना है, अगर मैं 9 लेता हूं तो इसका विपरीत विचलन है प्लस के 4, अगर 14 लेता हूं तो इसका विपरीत विचलन है माइनस का 1। तो इन दोनों को हल कीजिएगा, 9 के बाद में 10, 11, 12, 13 और 14 में से 1 घटाया तो भी 13, तो दोनों का अंक देखे आंसर एक ही आ रहा है, तो आप दोनों में से कोई भी एक अंक इसमें से ले सकते हो। तो हमारा मैंने लिया 14 − 1, तो 14 में से 1 घटाया 13, एक अंक माइनस का है, एक अंक प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या बन जाता है माइनस, 3, 4 को 1 से गुणा किया 4। अब देखिए इधर ये माइनस का अंक है, तो हम क्या करेंगे, इस अगली ये 13 क्या है, 13 दहाई है, यहाँ पे क्या है 13 दहाई, तो एक दहाई में कितने होते हैं ध्यान रखना, ये एक दहाई के अंदर कितने अंक होते हैं 10 होते हैं, कितने होते हैं 10 होते हैं, तो 13 यहाँ पे दहाई है, तो 13 दहाई में से हम एक यहाँ पे उधार लेंगे, यानी 13 इसको एक उधार देगा, तब यहाँ एक कम होते ही कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और जैसे ही एक दही उधार आएगा तो हमारे पास कितने आएंगे, एक दही बराबर कितने होते हैं 10, तो 10 आएंगे, 10 − 4, तो 12 अपने स्थान पे, 10 में से 4 घटाया तो आया 6। अब ये 6 इकाई का अंक है, तो नीचे उतार दिया, ये लाइन हटाई हमने और यहाँ लिख दिए 12, तो हमारा आंसर कितना हुआ 126, और ये आपके सवाल का हल। तो इस प्रकार से आपको सूत्र निखिलम के द्वारा गुणन क्रिया करने का अभ्यास करना है। अब इसी प्रकार से देखिए प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर सी, ये 6 × 8, 6 × 8 भी आपको इसी प्रकार से हल करना है, और जब ये दोनों संख्या देखिए 10 से छोटी है तो आपके जो विचलन आएंगे दोनों किस में आएंगे, माइनस के अंदर आएंगे, इसका तो आएगा माइनस के 4 और इसका आएगा माइनस का 2, और फिर आपको इसको इस प्रकार से हल करना है। अगर यहाँ पर आपका विचलन की गुणा करने पर माइनस का अंक आता है
तब तो आपको आगे से एक क्या लेना पड़ेगा, उधार। तो हम एक दहाई उधार लेंगे तो ले तो एक दहाई रहे लेकिन आ कितने रहे हमारे पास, 10 आ रहे हैं। तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। तो एक सवाल आपको स्वयं करना है और हमें फिर कमेंट्स में बताइए कि आपको सवाल समझ में आए या नहीं आए, तो फिर हम और आगे सवाल करने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।